दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ईशान टेक वर्ल्ड पे। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत अच्छी अमेजिंग टेक अपडेट्स जो आपको डेफिनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ और वो ये है कि मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन पता लगा है कि मतलब जो है ना काफ़ी लोगों ने मुझे इस चीज़ की कंप्लेंट की है कि यार मेरी वीडियो की एडिटिंग अच्छी नहीं होती, मतलब यार तुम कोई एडिटिंग करते नहीं हो और ऐसे ही वीडियो डाल देते हो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो भाई मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि मेरा शेड्यूल जो है ना वो पूरा पैक्ड अप रहता है। YouTube इज़ नॉट दी ओनली एक्टिविटी विच आई एम डूइंग राइट नाउ, मेरा एक फुल टाइम जॉब है तो ऑब्वियसली मुझे जॉब पे भी अपना टाइम देना होता है और उसके बाद में मेरे कुछ वर्कआउट के सेशंस भी रहते हैं डेली बेसिस पे, तो वहाँ पर भी मुझे अपना टाइम देना होता है और उसके भी बाद में मेरी कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ भी है। तो इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद में जो है ना दोस्तों मैं वीक में दो वीडियोज़ आपके लिए डाल पाता हूँ और उसके बाद में मेरा एक टारगेट रहता है कि नहीं मुझे दो वीडियोज़ किसी भी हालत में तो वीक में डालने ही हैं आपको। और इसमें भी दोस्तों जब भी मैं वीडियो रिमूव करता हूं तो जब एडिटिंग का पार्ट आता है तो मुझे इतना भी टाइम नहीं मिलता कि मैं एक साथ में बैठ के जो ना एडिटिंग कर सकूं, तो थोड़ी अभी करूंगा और या तो फिर ऑफिस में जाने के बाद में जब ब्रेक टाइम मिलेगा तो थोड़ी एडिटिंग वहाँ करूंगा, तब जाके जो ना दोस्तों मैं आपके सामने वीडियो डाल पाता हूं और तब जाके आप वो 6 मिनट 7 मिनट की जो ना वीडियो आप देख पाते हो। तो ऑब्वियसली इतना पैक शेड्यूल है तो मैं इतना ध्यान दे नहीं पाता हूँ एडिटिंग में। तो अगर आपको नहीं पसंद आई एडिटिंग तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बस ये बोल सकता हूँ प्लीज़ बेयर विद मी। और जहाँ तक बात दोस्तों एडिटिंग की है तो आपने दूसरे यूट्यूबर्स को देखा होगा ऑब्वियसली, आप वहाँ से भी कंपेयर कर रहे होंगे कि वो लोग जो है ना अच्छी खासी एडिटिंग करते हैं, मतलब यहाँ से एक अर्थ आ रहा है, फिर यहाँ पर जो है ना ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एनिमेशन हो रहे हैं वीडियो में। अल्टीमेटली दोस्तों बात यह है कि वो भी अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहते हैं और मैं भी अपनी बात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो मेरा मोटिव सिर्फ यही है कि मेरी जो भी नॉलेज है और जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आप तक पहुँचाऊँ, दैट्स इट। दोस्तों ये यहाँ तक बात हो गई, अब मैं शुरू करूँगा आपके सामने हमारी टेक अपडेट्स जो कि है टेक अपडेट्स #10। तो ऑब्वियसली ये 10वीं टेक अपडेट है हमारे चैनल की, जहाँ पर सबसे पहली अपडेट है गूगल की तरफ से। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि गूगल ने अपनी सक्सेसफुली 21 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों गूगल जब लॉन्च हुआ था तो वो डेट थी 21st of September 1998, अब ऑब्वियसली 27 सितंबर है तो गूगल का जन्मदिन तो वैसे चला गया, लेकिन 21 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है गूगल को इस वक्त, और जो नंबर वर्ल्ड का इस वक्त नंबर वन सर्च इंजन बन के बैठा है और दूसरा भी अपना ही प्रोडक्ट बनाने वाला है जो कि यूट्यूब है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है यूट्यूब। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि जब गूगल लॉन्च हुआ था तो वो टाइम पे गूगल का नाम एक्चुअली में गूगल नहीं था, इसका नाम रखा गया था बैकरब, लेकिन फिर बाद में जो है ना वो पता नहीं क्यों चेंज कर दिया गया यार डेवलपर्स की वजह से। तो कोई दो डेवलपर्स थे जिन्होंने साथ में मिलकर गूगल को बनाया था, बाद में फिर उसका नाम चेंज होकर गूगल रख दिया गया। आप गूगल के ऊपर बहुत सारे टाइम पास भी कर सकते हो अगर आपको नहीं मालूम है तो, जैसे कि जेग रश, अटारी ब्रेकडाउन, ये सब आप टाइप करेंगे तो वो तो आपको गूगल के ऊपर मिल ही जाएगा। जो अगली अपडेट सुनने में आ रही है वो है ओप्पो रेनो की तरफ से, जहां पर ओप्पो जो है ना वो अपना एक नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन जल्द ही लॉन्च करने जा रहा है। तकरीबन 10 अक्टूबर तक शायद ये फ़ोन लॉन्च हो जाएगा और इस फ़ोन का मॉडल रहेगा ओप्पो रेनो एस। अब दोस्तों इस फ़ोन के बारे में कुछ ऐसा खास फीचर्स तो पता नहीं लगे, लेकिन जो इसका एक हाईलाइटिंग फीचर अभी तक जो खुल के सामने आया है वो है इसका डिस्प्ले, जहां पर आपको डिस्प्ले में मिलेगा 90 हर्ट्ज़ की टेक्नोलॉजी। दोस्तों 90 हर्ट्ज़ किसी फ़ोन में जो है ना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। रॉक फ़ोन 1 जब आया था तो वो एक तरीके का पूरा गेमिंग फ़ोन है, अगर आपको नहीं मालूम है तो बता देता हूँ कि उसमें 100 हर्ट्ज़ का जो है ना वो डिस्प्ले था, जहाँ पर ऑब्वियसली जब आप कोई भी पिक्चर व्यू करोगे या गेम जब खेलते हो फ़ोन में तो आपको जो है बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है जब उसका रिफ्रेश रेट बहुत अच्छा होता है। तो इसी हिसाब से दोस्तों ओप्पो का जो है नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है, इसमें ऐसा पता लगा है कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिलेगा और इसी के साथ में दोस्तों इसकी बैटरी आपको मिलेगी 4000 mAh की, जो कि मेरे हिसाब से ज़बरदस्त बैटरी है, मतलब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है बैटरी में। और इसकी बैटरी के बारे में ये भी चीज़ कही जा रही है कि इस बैटरी को आप वूक चार्ज की टेक्नोलॉजी की वजह से चार्ज कर सकते हैं, वो भी 65 वॉट की पावर से। मतलब ये हुआ कि अगर आपका मोबाइल 0% चार्ज्ड है और अगर आप इसको चार्जिंग पे लगाते हो तो 30 मिनट्स में आपका फ़ोन जो है ना वो 100% चार्ज हो जाना चाहिए। ये तो दोस्तों ये कन्फर्म इसके जो है ना स्पेसिफिकेशन है, लेकिन इसका एक रूमर्ड स्पेसिफिकेशन ये है इसके कैमरा को लेके। ऐसा बताया जा रहा है कि इस फ़ोन में आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिल सकता है। अब दोस्तों यही फीचर्स अभी तक जो है ना वो पता लगे हैं, इसके बाद में इसका प्रोसेसर क्या हो सकता है, रैम क्या हो सकता है, प्राइस क्या हो सकता है, इसके बारे में दोस्तों पता नहीं लगा है। इसकी लॉन्च डेट पता लगी है जो कि होगी 10th of October को। अब देखते हैं दोस्तों कि क्या क्या और इसमें फीचर्स आपको मिलेंगे और अगर आप उस पीरियड में फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन आप ले सकते हैं या नहीं, ये तो इसके पूरे फीचर्स आने के बाद ही पता लगेगा। दोस्तों जो अगली अपडेट आ रही है वो है डायरेक्टली फ्लिपकार्ट की तरफ से। अब इससे पहले जो मैंने टेक अपडेट डाली थी #9 में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट पे जो है वो जल्दी बिग बिलियन डेज का सेल आने वाला है, 29th of September से जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ ये पता लगी है कि फ्लिपकार्ट जो है वो ऑब्वियसली धमाल मचा रहा है अपने बिग बिलियन डेज में।
वहाँ पर आपको मोबाइल्स के साथ में जो है ना वो फैशन में और होम अप्लायंसेज में भी जो है ना आपको अच्छे खासे डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे अच्छी डील्स मिलने वाली है वो होगी आपके इन्फिनिक्स के सेलफोन पे। सो इन्फिनिक्स के सेलफोन्स के बारे में अगर मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो है ना लो बजट स्मार्टफोन्स निकालता है, मतलब 6,000 से लेकर 9,000 की रेंज तक के स्मार्टफोन्स इसमें आपको मिल जाएंगे और साथ ही में इसके कॉन्फ़िगरेशन भी आपको मिल जाएंगे। तो इस पीरियड में अगर आप कोई ऐसा फ़ोन देखना चाह रहे हैं, एक लो बजट फ़ोन देखना चाह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से फ्लिपकार्ट बहुत बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आपको 2000, 3000, इवन 5000 तक का डिस्काउंट इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स के ऊपर आपको फ्लिपकार्ट दे रहा है। तो आप फ्लिपकार्ट ज़रूर जाके चेक करना दोस्तों। जो अगली अपडेट के बारे में दोस्तों मैं आपसे बात करूंगा वो आ रही है सीधा सैमसंग की तरफ से। अब आपको तो मालूम ही हो दोस्तों कि लास्ट मंथ सैमसंग ने अपने दो फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च किए थे, नोट 10 और नोट 10 प्लस, जिनका प्राइस अगर मैं आपको बताऊंगा तो ऑब्वियसली फीचर्स के हिसाब से प्राइस भी एकदम धमाल है इनका, मतलब स्टार्ट होता है 60,000 से तो एंड होता है 90,000 पे। तो दोस्तों सैमसंग की तरफ से ऐसा सुनने में आ रहा है कि सैमसंग जो है ना वो नोट 10 वेरिएंट का जो है ना एक अफोर्डेबल वेरिएंट निकालने वाला है, जिसको इन लोगों ने नाम दिया है NU770F। अब दोस्तों ये अभी तक अच्छी तरीके से मालूम नहीं है, ये कन्फर्म नहीं है कि NU770F नोट 10 का अफोर्डेबल वेरिएंट है या तो फिर नोट 3 न्यू का अपग्रेडेड वर्जन है। लेकिन कंपनी की तरफ से जो है ना अभी तक कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन रूमर न्यूज़ खाली सिर्फ इतनी ही है, इसलिए इस फ़ोन के बारे में अभी तक एक चीटी के बराबर भी कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। तो इसलिए इस पे जो है ना दोस्तों मैं आपको कमेंट नहीं कर सकता हूँ, मतलब इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। लेकिन हाँ ये बात ज़रूर है कि एक अफोर्डेबल वेरिएंट आ रहा है, अब देखते हैं उसमें क्या फीचर्स होते हैं। जैसे ही फीचर्स आउट हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप फिर उसको खुद पता लगा सकते हो कि वो नोट 10 का अफोर्डेबल वेरिएंट है या तो फिर वो नोट 3 नियो का अपग्रेडेड वर्जन है। अगली अपडेट आ रही है एंड्रॉयड की तरफ से, जहां पर एंड्रॉयड ने जो है ना वो लॉन्च किया है एंड्रॉयड गो एडिशन। अब दोस्तों एंड्रॉयड गो एडिशन ये लो वेरियंट डिवाइसिस के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं और 4 फीचर्स या 5 फीचर्स मैंने ऐसे नोट डाउन किए जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा, जो इस एंड्रॉयड गो एडिशन में बहुत ही ज़बरदस्त है कंपेयरिंग टू स्टॉक एंड्रॉयड। सो इसमें सबसे पहले फीचर के बारे में आपसे बताऊंगा तो वो है बेटर परफॉर्मेंस ऑन लो एंड डिवाइसेज, मतलब जो लो कॉन्फ़िगरेशन डिवाइसेज हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन इतना ज़बरदस्त नहीं है, जैसे कि नोकिया के जो है ना डिवाइस निकले थे नोकिया 2.13, इसमें जो है ना आपको इंटरनल स्टोरेज मिलता है 8GB का, मतलब इतना अच्छा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। वहाँ पर एंड्रॉयड गो जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब उसमें अपडेट्स भी अब तक आ गए होंगे, तो वहाँ पर आप उसको जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड्रॉयड गो एडिशन ऐसे लो एंड डिवाइसेस के लिए जो है ना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा कर देता है, मतलब जो यूज़र परफॉर्मेंस की बात मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन को आप रन करने की कोशिश करेंगे वो 10 times फास्टर हो जाता है। तो बहुत अच्छी तरीके से जो है ना उसके अंदर इंटीग्रेट किया गया है। दूसरा फीचर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस एंड्रॉयड गो एडिशन के बारे में, वो है इसका स्टोरेज। तो ऑब्वियसली दोस्तों जिस तरीके से स्टॉक एंड्रॉयड है वो काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज लेता है, तो मतलब अभी भी देख लीजिए मेरे मोबाइल में जो है ना वो एंड्रॉयड 9 पाई का अपडेट आया, तो जब भी मैंने अपडेट किया तो तकरीबन 4GB जो है ना वो उसने वो ले लिया, मतलब मेरे इंटरनल स्टोरेज में से। लेकिन एंड्रॉयड गो एडिशन जो है वो मैक्स टू मैक्स जो है ना 1.5GB लेता है और उसके बाद में आपको वही अच्छी जो है ना आपको एक्सपीरियंस देता है। और उसी के साथ में इसमें जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो जब आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन ढूंढेंगे तो वहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशन का लाइट वर्जन दिखेगा, जो कि ऑब्वियसली आपके स्टोरेज को अच्छे तरीके से मैनेज करता है। तो अगर आपके फ़ोन में इतना भारी स्टोरेज नहीं है तो ये सब एप्लीकेशंस डाउनलोड करने के बाद में आपके स्टोरेज को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता है, आप मोस्टली एप्लीकेशंस जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अगला अपडेट मुझे इसमें बहुत अच्छा लगा है एंड्रॉयड गो एडिशन में, वो है इसका सेव डेटा प्लान। तो दोस्तों आपका जो सेलुलर डेटा रहता है उसमें जो है ना आपको पता नहीं रहता है कि मतलब आपने कितना यूज़ कर लिया और उसमें जो है ना आप कभी कभी लिमिट सेट नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पर जो है ना एंड्रॉयड गो एडिशन में ये अपडेट आ गया है कि आप यहाँ पर जो है ना वो लिमिट को सेट कर सकते हो कि आपको डेटा कितना यूज़ करना है। और इनफैक्ट वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपको उसके नोटिफिकेशंस भी हैं जो भी हैं वो आएंगे, और इससे जो ना दोस्तों आप अपने डेटा यूजेज के ऊपर भी कंट्रोल कर सकते हो। दोस्तों अब तक का मुझे एंड्रॉयड गो एडिशन का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये लगा है, सबसे बेस्ट फीचर जो है ना मेरे को ये लगा है कि तो ये जो है ना डायरेक्टली गूगल की तरफ से आपको अपडेट नहीं देता है। आपने देखा होगा आपके मोबाइल में जो है ना वो सॉफ्टवेयर अपडेट आता है, तो ये डायरेक्टली आपको गूगल की तरफ से अपडेट नहीं आएगा अगर आपके पास एंड्रॉयड गो एडिशन इंस्टॉल्ड है तो, बल्कि ये आपके OEM की तरफ से आपको अपडेट आएगा, मतलब आपके मैन्युफैक्चरर की तरफ से आपको डायरेक्टली अपडेट आएगा। तो इसलिए आपको अपडेट के लिए इतना भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, टाइम बेसिस पे आपको जो है इसमें अपडेट मिलते जाएंगे और अपने सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते रहना मैन्युफैक्चरर की तरफ से। और सबसे बेस्ट फीचर जो इसमें मुझे पता लगा है दोस्तों वो है इसका शेयरिंग फीचर। तो ऑब्वियसली जब हम इस वक्त कोई भी एप्लीकेशन को किसी चीज़ को शेयर करते हैं या कोई भी बड़ी फाइल को शेयर करते हैं तो हम कोई एक एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं जो कि शेयर इट है या कोई भी ऐसी एप्लीकेशन है, लेकिन
दोस्तों यहाँ पर जो है ना आपको एक्सटर्नल एप्लीकेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में वाईफाई है तो आप अपने मोबाइल को अपने वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद में कोई दूसरा यूज़र जिसने सेम वाईफाई से अपने हैंडसेट को कनेक्ट किया है, आप डायरेक्टली उस वाईफाई के थ्रू जो है ना वो फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको इसमें कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अगली अपडेट आ रही है जो है सीधा ISRO से, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्वियसली दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ मंगलयान के बारे में। आपने सही सुना दोस्तों, मिशन मंगल जो मूवी थी, मंगलयान को भेजा गया था मार्स के ऊपर, उसी के बारे में जो है ना दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और दोस्तों इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस वक्त पूरे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं जब इंडियन स्पेस रिसर्च की तरफ से जो है ना मंगलयान को मार्स की तरफ भेजा गया था। और पिछले 5 साल से जो है ना दोस्तों मंगलयान वो कंटिन्यूसली मार्स की इमेजेस भेज रहा है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को, और तकरीबन हज़ारों से भी ज़्यादा इमेजेस जो है ना वो भेज चुका है। मतलब ISRO का ये कहना है कि अभी तक जो है ना दोस्तों मंगलयान टोटल 2 TB की मार्स की इमेजेस भेज चुका है। अब दोस्तों आप सोचेंगे यार 2 TB क्या है, मतलब 2 TB तो कुछ नहीं है, बट दोस्तों मार्क माय वर्ड्स, ये कोई दूसरा डेटा नहीं है, दिस इज ओनली एंड ओनली इमेजेस। और एक इमेज हार्डली कितनी बड़ी होती होगी, 5 MB 10 MB, इस हिसाब से 2 TB की सिर्फ इमेजेस, एंड दैट रियली अ प्राउड मोमेंट फॉर अस इंडियंस। तो दोस्तों ये हुए कुछ टेक अपडेट्स, आपको कैसा लगा वीडियो आप मुझे ज़रूर बताइए, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे दोस्तों उतना हमें सपोर्ट मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आगे भी जो है ना ऐसे टेक अपडेट्स डालता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर। कुछ भी चेंजेस या कुछ भी फीडबैक अगर आपको फॉरवर्ड करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह मैं बोलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।